तो फिर मैंने उसको जो लड़की कहाँ मिली तो बोले उसके मैंने बोले तू उसका रूम जाके चेक कर। रूम जाके जब चेक किया तो उसका बाहर से ताला लगा था। फिर वो ताला लगाने के मैंने बोला भाई ताला तोड़ दिए तो बोले नहीं मैं मेट्रन को बुला लिया। तो मेट्रन को बुला के लाया उसने और मेट्रन बोले ये पुलिस के सौ। और तब मुझे पता चला कि कुछ भी लफड़ा हुआ और उसके बाद में फिर पुलिस वाले आए और फिर देशमुख मैडम है उन्होंने फ़ोन लगा के बोला कि भाई तुम तुरंत ट्रेन में बैठो और आ जाओ। और हम इधर आए। सर बताइए ना कि कभी बेटी ने किसी तरह की शिकायत की थी कि यहाँ पर 15 दिन पहले ही शिकायत किया था। वो कोई प्रकाश करके नाम का लड़का है वो उसे तकलीफ देता है। हवा का आते जाते रहता है। ऊपर आता है उसके होटल में रूम में आता उसका लाइट बंद चालू करके दिखता लाइट गया क्या ये गया क्या वो गया क्या और उसे मतलब तकलीफ देता था इस तरह। तो बच्चे ने बताया था कि अब ये गर्ल्स हॉस्टल है इसमें जेंट्स का क्या काम। मेरे बच्चे के रूम में मुझे नहीं जाने देते कौन अंधारे मैडम वहाँ की और पढ़ू मैडम बाप को नहीं जान देते। तो तुमने मेरे बेटी के रूम में तुमने सिक्योरिटी गार्ड को कैसे क्या जाने दिया। ये मेरा पहला सवाल है उन लोगों से। इसके लिए जिम्मेदार वहाँ का हॉस्टल प्रशासन ही है। टोडू मैडम अंधारे मैडम हम यहाँ से नहीं मिलेंगे। कुछ और अजीब बात है जो बेटी ने आपको बताया कि हॉस्टल के बारे में जिससे शिकायत की। अजीब बात यह है कि उसको चौथे मंजिले पर एक ही रूम दिया। मेरा ये बोलना है कि मेरे लड़की के साथ में दूसरे लड़कियाँ रखी नहीं। दूसरे लड़की के साथ में मेरे लड़की को भी नहीं रखा। क्यों अकेले को क्यों रखा चौथे मंजिले पे। तीसरे पे रख सकते थे दूसरे पे पहले पे रख सकते थे पूरे रूम खाली है हॉस्टल के फिर भी मेरे लड़की को अकेला रखा हुआ आपका। और इसके कारण उसका घातपात हो गया। इसके लिए ये लोग जिम्मेदार हैं। जो जो लड़का था ओम प्रकाश जिस पर अभी आरोप लगाया जिसने सुसाइड कर लिया क्या वो इतर जो लड़कियां थी उसमें उधर उनको भी सताता था उसके बारे में कुछ बोला। उनके रूम में कभी जाता नहीं था। अच्छा उन लोगों से कभी बात नहीं करता था। उसने मेरे से बात किया था प्रकाश ने वो भी छुट्टी पे जाने वाला था अभी एक महीने के लिए वो। हाँ। तो मैंने भी उससे वो बातचीत अच्छे करता था ना मेरे साथ में तो मेरे लड़की से भी अच्छी बातचीत करता था। अच्छा। हमको क्या मुझे क्या मालूम कि ये हॉस्टल में ऐसा भी कुछ काम करेगा करके। अच्छा तो मैंने ख्याल नहीं दिया। मैंने बच्ची को बोला तू इसकी कंप्लेन मैट्रन को कर। मैट्रन किया तो मैट्रन ने ख्याल नहीं दिया बच्ची के। ये आपने कहा कि कमरे में लिखित में मैंने शिकायत किया नहीं। वो बच्ची जो ऑलरेडी हॉस्टल में है तो मैंने बोला तू ऑलरेडी जाके शिकायत कर रहा क्योंकि ऐसा है अभी मैं जाऊंगा मैं शिकायत करूंगा तो वहाँ पे कड़ू मैडम जो है वो अंधारे मैडम वो बहुत होशियार लोग हैं। एक तो अंदर आने नहीं देते जेंट्स को और गए तो तुमसे दूजा भाव करते अच्छी बातें नहीं करेंगे तुमसे तुमको रिस्पॉन्स नहीं देते क्या बात करेंगे फिर ऐसी लेडीज से। सर ये बताइए ना कि आपने कहा कि कभी भी घुस जाता था कमरे में और लाइट वाइट चेक करता। हाँ। था अभी ये जो घटना हुई यूपी सवेरे के वक्त हुई नॉर्मली उस समय में लड़कियां अंदर से कमरा बंद रखती है। हाँ। तो आपके हिसाब से ये कैसे पहुंचा होगा अंदर क्या लग रहा है आपको। नहीं ये तो अब रात में कैसा गया अब बच्ची तो रात में दरवाजा बंद करके सोती है तो हर बच्ची ऊपर में जो है वो बंद कर रखती है लेकिन अभी उसने दरवाजा कैसा खोला या बच्ची को कुछ भूल थापा दिया कुछ बोला होगा कि ये काम है वो काम है ऐसा बोल के दरवाजा खोला होगा। और बाद में तो आपने उसकी डिब्बा भी देखी नहीं देखते तो आप भी भूल जाते थे।